हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज का दिन है मंगलवार और मैं इस मंथ में पहली बार ना आज ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मुंबई से आ जाने के बाद उसका मैं तबीयत ही थोड़ा ख़राब हो गया था और ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा हो रहा था। और यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी में तो कुछ और भी करने का मन नहीं कर रहा था और कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा था। फिलहाल अभी घर में सारे लोग आए हैं, भैया भाभी जीजू दीदी बउआ सब यहाँ पे हैं। तो अभी यहाँ पे सभी के पूरे फैमिली के साथ है ना ब्लॉग करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी है नहा सुना के दुकान पे आ गए हैं और अभी दुकान पे कोई पापा आते हैं तो अभी चलेंगे नाश्ता करने और क्या बउआ को भी साथ में लेके आ गए हैं। तो अभी मैं अभी घर पे आ गया हूँ नाश्ता करने के लिए। मार्केट में है ना मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी वाड़ी चलते रहता है बाइक वाइक, तो कहीं रास्ते में कहीं ठोका ना जाओ, इस वजह से रोड पे ब्लॉग नहीं बनाता हूँ। तभी वहाँ से घर आया हूँ, यहाँ पे जीजू दीदी और भैया गए हैं पटना और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। ये तो अभी शाम के बजे 7 और अभी मैं अपने लिए चप्पल लेने जा रहा हूँ क्योंकि है ना भैया आए थे, भैया है ना जूता ही पहन के आए थे तो है ना भैया के पैर में घाव हो गया तो वो बोले तुम तो अपना चप्पल मुझे दे दो और तुम तो एक नया जाकर खेल लो। अभी चलते एक नया चप्पल खरीदने के लिए। फिलहाल मैं अभी पापा का चप्पल पहन के जा रहा हूँ तो चलते हैं, बगल में ही है यहाँ से तो चलते हैं। अभी आ गए चप्पल वाले दुकान पे, तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से देख के गए थे चप्पल कौन सा लेना है तो पसंद भी कर लिया था मैं। तो ना 170 का ही चप्पल है तो कल को लेते हैं ना 170 ही 300 तो मैं दुकान पर से 300 का लेके आया था कि 300 में हो जाए तो ना यहाँ पे 170 ही बताया मैंने तुझे। मैं चप्पल ही पसंद पैक हो गया है, यहाँ से दुकान पर जाके सब पहनते हैं। तो यहाँ से भी चप्पल ले लिए हैं और चलते हैं अपने दुकान पर। यहाँ पर मुझे बस सस्ता ही सब लगाता है दाम, इसलिए जितना बोला बस उतना ही देके और चलते हैं दुकान पर। हमारे इधर तो है ना इक्वालाइट का है ना अच्छा चप्पल चलता है। तो अभी यह अपने लिए ब्राउन कलर का है ना लिया हूँ स्लिप चप्पल। और अभी भैया जीजू और दीदी पटना ही में है तो उनको आते आते बहुत रात हो जाएगा
भगवान, अभी शाम में नाश्ते में ना मैगी खाया था और खाया है ना। अभी सावन का महीना चल रहा है तो उसमें ना ज़्यादा प्याज व्याज तो नहीं खाते हैं हम लोग, तो उतना ज़्यादा टेस्टी तो नहीं लगा, फिर ठीक था। भाभी बनाई थी और बउआ को भी अच्छा टेस्टी लगा था, तो वो भी है ना खा लिया। अपने पापा के लिए भी खा ले आए थे नाश्ता में। तो अब दुकान का सा काम करते हैं, उसके बाद दुकान बंद करके उसके बाद चलेंगे घर। फिर देखते हैं वहाँ, फिर है ना दीदी जीजू भैया का वेट करेंगे। तो अभी फाइनली दुकान बढ़ा के और अब जाएंगे सीधे घर। तो इससे पहले था शुभम भैया से था मिल के, था शुभम भैया का खर्चा वर्चा करवाते हैं। तो भैया आप पिलाइए, अमूल कुल पिलाइए, बहुत दिन के बाद अमूल कुल का टेस्ट लेंगे आज। कल फिर से गोलू भैया नहीं आएंगे तो कल जल्दी उठना पड़ेगा। तो हमारे पास आ चुका है अमूल कूल। तो अभी मेरे साथ प्रीतम, ज़्यादा ठंडा नहीं है मगर ठीक है। तो इसका पीके चलते हैं सीधा घर। तो अभी फाइनली घर पहुंच गए हैं। आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि शाम में हम था ज़्यादा बूंदाबूंदी हुआ था बारिश का, उसका जो गर्मी हुआ है ना बाहर हाल बेहाल करने वाला गर्मी। तो अभी घर में एसी चल रहा है और ये सो गया बउआ, सो गया खा खा के। यूवी ये खा रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे खा रहे हैं आप? आई 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 कैसे खा रहे हैं आप? काली डेविल स्टार कपड़ा ये भी कैसे खा रहा है ये भी? ये बच्चा को खिलाने का निंजा टेक्निक। देख ले, इतना मग्न है, इतना मग्न है। तो फाइनली अभी मेरा डिनर हो गया है और मैं अभी जा रहा हूँ दुकान वाले घर पे सोने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी सब आए हैं तो थोड़ा जगह का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और रात में अच्छे से सो नहीं पाता हूँ। तो अभी चलते हैं उस घर पे। तो अभी है ना, अभी बउआ युवांश के साथ खेल खेल के बहुत ज़्यादा मज़ा ही आया यहाँ पे, वो अभी तक जगा ही हुआ है और पापा के साथ खेल रहा है अभी। तो उसे अब कल मिलेंगे सुबह में और तब तक भैया लोग भी आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।